व्यूअर्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। और चिकन है मेरे पास तकरीबन 4 kg, और इसको मैंने प्रिपेयर करना है क्योंकि आज हमारी गेस्ट ने आना है। और मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी प्याज के साथ, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रेवी पसंद करते हैं। तो मैंने प्याज यहाँ इतनी ही काटी है, और ताकि मैं इसको ग्रेवी के साथ बना सकूँ। और टमाटर जो हैं वो मैंने तकरीबन लिए हैं इतने गिरे टमाटर, ठीक है। इसमें टमाटर हम इतने ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल में डाल दी थी चिकन, और चिकन को कर रही हूँ फ्राई। साथ में मैंने उसको ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ताकि मैं उसको भून लूँ। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, मसाला, और साथ में मैंने कढ़ाई के 2 पैकेट मंगाए थे नेशनल के, और साथ टमाटर को ब्लेंड करके मैंने उसके अंदर डालूँगी, और प्याज भी ब्लेंड करके ही मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी रिक्वायर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर चलते हैं मेरी आगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे कैसे किया, फिर मैं उसको भून लिया। तो जो मैंने प्याज टमाटर छीला था उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रखनी पड़ी है। अमूमन कढ़ाई में प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालते, पर मुझे ग्रेवी की वजह से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा है, और यहाँ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और बाद में थोड़ा सा चिकन भून के उसमें मैं ये ऐड करूँगी, साथ मसाले और साथ दही ऐड करके, उसके बाद फिर मैं इसको दम पर लगा दूँगी। तो इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, और ये मैंने 2 पैकेट डाले हैं मशरूम के मसाले के, और 1.5 पाव के करीब दही है, उसमें हम ये मिक्स करके उसके बाद हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। और साथ थोड़ा सा घर का मसाला मैं ऐड करूँगी, हसबे ज़ायका, जो अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। और साथ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे कढ़ाई के लिए। यहाँ जनाब चिकन को मैंने निकाल लिया था, मैं सिर्फ मसाले को भून रही हूँ ताकि मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैं इसमें चिकन डाल के और इसको हल्का सा दम पे रख के हरी मिर्चें वगैरह डाल दूँगी, अदरक वगैरह, और दम पे रख दूँगी, और ये इजीली कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और ये ग्रेवी मैंने यहाँ इसलिए रखी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेवी पसंद करते हैं थोड़ा, तो बच्चे ना तो घर में सारी फैमिली में, तो इसलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी है कि खुशक खुशक वो नहीं खाली पसंद करते नान के साथ, तो इसलिए ये हमारी इस तरह से ग्रेवी बनेगी गाढ़ी गाढ़ी। और यहाँ ये मस्त ये गाढ़ी होती जा रही है, इसमें मैं भून रही हूँ मस्त, क्योंकि चिकन भी हमारा तकरीबन 4 kg था, तो इसमें यहाँ पर ग्रेवी मैंने ज़्यादा बनाऊँगी। मैं सब इसमें जल्दी अच्छी तरह भून जाएगा चिकन डालूँगी, और उसके बाद इसका हरा मसाला यानी कि हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह डाल के भूनते पकाते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी कढ़ाई, क्योंकि मैं गेस्ट आ गए थे तो खाना सर्व करना पड़ गया था। इसमें मैंने फाइनली डाले थे 6 चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला था, 2 चम्मच टीस्पून सूख मिर्च डाली थी, और मैंने 2 चम्मच नमक भी डाले थे। और इसको फिर मैंने 2 पैकेट लिए थे उसके मसाले के जो मैंने डाले थे नेशनल के, इसके अंदर मैं साथ ही थोड़ा सा दही दम पे रखते हुए डाला था, और मिर्ची काट के डाली थी। और ये मेरी फैमिली कढ़ाई की थी, जो बहुत यम्मी और बहुत मज़े की बनी थी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।